नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में मंगल षष्ठम भाव और एकादश भाव दो भावों का स्वामी होता है। षष्ठम भाव के सापेक्ष जब यह अपने स्थान से लाभ स्थान 11th हाउस और कुंडली के चतुर्थ स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, हमने बताया था कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। यहाँ पर त्रिषडाय भाव का स्वामी एक मिश्रित फल प्रदान करने वाले भाव का स्वामी। देखिए, त्रिषडाय भाव तीन होते हैं, तीनों ही भावों की ये विशेषता होती है कि यह मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं। शुभ प्रभाव भी प्रदान करेंगे और अशुभ फल भी प्रदान करेंगे। कुछ कंटेंट्स इनके शुभता वाले होते हैं, कुछ कंटेंट्स इनके नेगेटिव होते हैं, अशुभता वाले होते हैं। छठा भाव त्रिक भाव भी होता है। हमने बात करी थी कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। यहाँ पर षष्ठम भाव एक त्रिषडाय भाव का तो स्वामी है ही, साथ ही एक त्रिक भाव का भी स्वामी है। और त्रिक भावों की ये विशेषता होती है कि त्रिक भाव हमेशा सदैव नेगेटिव फल प्रदान किया करते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव भाव का स्वामी, एक अशुभ भाव का स्वामी कुंडली के शुभ भाव में बैठ गया है। चतुर्थ भाव होता है केंद्र भाव। हमने बात करी थी 4, 7 और 10 ये तीनों ही केंद्र भाव होते हैं। पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों त्रिकोण भाव होते हैं, और लग्न भाव में केंद्र और त्रिकोण दोनों की ही शुभता विद्यमान होती है। षष्ठम भाव का स्वामी जब केंद्र भाव में बैठ जाता है, चतुर्थ भाव में बैठ जाता है, तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, सुख का कारक भाव, माता का कारक भाव, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को नकारात्मक फल प्राप्त होंगे। इसके साथ ही यह मंगल अपने शत्रु बुध की राशि में भी बैठा हुआ है। यहाँ पर कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। मंगल बुध की राशि में बैठा हुआ है। मंगल जब बुध की राशि में बैठ जाता है तो अपने शत्रु की राशि में बैठ जाता है। मंगल बुध को सदैव शत्रु भाव से देखता है, तो यहाँ पर मंगल अपने शत्रु के भाव में बैठा हुआ है। इस लिहाज से भी देखें तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति को सांसारिक भोगों को उपलब्ध करने में विशेष संघर्ष करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, व्यक्ति के सुख की भी हानि हो सकती है। व्यक्ति का जो जीवन होगा वो रेस्टलेस होगा, भागदौड़ी वाला जीवन होगा, बहुत संघर्षमय जीवन होगा। संघर्षमय की तो परिभाषा यहाँ से नहीं आती, लेकिन हाँ, बिजी शेड्यूल जरूर होगा। संघर्ष जीवन में हो या ना हो, लेकिन शेड्यूल जो होगा इन ऐसे लोगों का वो बहुत बिजी होता है। छठा भाव होता है रोग का भाव, ऋण का भाव और शत्रु का भाव। रोग प्रदान करने वाला हो जाता है चतुर्थ भाव को। देखिए, हमने बात करी थी कि कभी भी कोई नकारात्मक भाव का स्वामी जब सकारात्मक भाव में बैठता है तो अपने नकारात्मक भाव के जो कंटेंट्स होते हैं वो सकारात्मक भाव को प्रदान कर देता है और स्वयं शुभ हो जाता है। यहाँ पर मंगल छठे भाव के जो भी कंटेंट्स हैं वो चतुर्थ भाव को प्रदान करेगा और स्वयं शुभ हो जाएगा। देखिए, मंगल के जो इफेक्ट्स होंगे उतनी शुभता वाले भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर यह अपने शत्रु की राशि में स्थित हो गया है। लेकिन यहाँ से रोग, ऋण और शत्रु को ट्रांसफर करने वाला होगा चतुर्थ भाव को। व्यक्ति अपने रोगों से, अपने ऋण से और अपने शत्रुओं से परेशान रहने वाला होगा। व्यक्ति लोन्स चुकाने में व्यक्ति को खासी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत विशेष परिश्रम करना पड़ता है। व्यक्ति को रोग होने की संभावना होती है। देखिए, चतुर्थ भाव होता है हृदय का, हृदय से संबंधित रोग भी प्रदान कर देता है। मंगल होता है रक्त का कारक ग्रह, ब्लड सर्कुलेशन का कारक ग्रह। हाई ब्लड प्रेशर की जो भी समस्या होती है वो मंगल के कारण होती है। यदि ब्लड की बात करें तो RBC रेड ब्लड सेल्स यह रिप्रेजेंट करता है मंगल, तो यहाँ पर हृदय को विशेष रूप से पीड़ित करने वाला यह बन जाता है। देखिए, यहाँ पर है कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी है बुध, और बुध होता है नसों का कारक, तो कहीं ना कहीं हार्ट में नसों की ब्लॉकेज को भी रिप्रेजेंट करने वाला होता है। हालांकि देखिए, हम एक जनरल प्रिडिक्शंस की बात कर रहे हैं, ये कोई कैलकुलेटेड प्रिडिक्शंस नहीं है, क्योंकि जब हम रोग की बात करेंगे, जब हम किसी घटना के घटित होने की बात करेंगे या फिर किसी प्रिडिक्शंस की बात करेंगे
तो हमें अन्य योग भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि हृदय का कारक, विशेष कारक ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है, तो सूर्य की स्थिति इस कुंडली में क्या है वह निर्धारित करेगी व्यक्ति को रोग होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर केवल अगर हम मंगल की बात करें तो हम आपको बता रहे हैं प्रिडिक्शंस कैसे किया करते हैं। यदि सूर्य मैसेज देता है कि हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना है, तो यह योग इस चीज़ को कंफर्म करता है कि मंगल कन्या राशि पर स्थित है, चतुर्थ भाव में स्थित है, तो डेफिनेटली हृदय का रोग होगा। और उसमें भी क्या होगा, नसों की ब्लॉकेज से संबंधित होगा, ब्लॉकेज होगी नसों की, जिसके कारण हृदय रोग हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। यदि हम ऋण की बात करें तो ऋण के लिए भी अगर इसमें प्रेडिक्शंस जोड़ते हैं तो देखिए बुध है, बुध जो कन्या राशि है वो व्यापार की राशि होती है, व्यापार में व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, व्यापार की वजह से व्यक्ति कर्जा ले सकता है और उस कर्जे को चुकाने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है, विशेष मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम शत्रु पक्ष की। जैसा अभी हमने बताया कि व्यापार का कारक होती है कन्या राशि और यहाँ पर मंगल स्थित है, शत्रु भाव का स्वामी स्थित है, तो यहाँ पर किस प्रकार के शत्रु दे सकता है, व्यापारिक शत्रु दे सकता है, बिजनेस से संबंधित शत्रु दे सकता है। यहाँ पर देखिए जॉब से भी रिलेट इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि छठा भाव जॉब का कारक भाव होता है और यहाँ पर जॉब के भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में अपनी शत्रु राशि पर स्थित हो रहा है, तो जॉब होने की संभावना कम लगती है और बिजनेस होने की संभावना अधिक लगती है। यदि जॉब करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर छठे भाव के सापेक्ष यदि मंगल को देखें तो मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है। यदि हम 11th हाउस के सापेक्ष बात करें, लाभ भाव के सापेक्ष बात करें, तो यह मंगल अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित है और छठा स्थान होता है रोग का, ऋण का और शत्रु का। लाभ को रोगी बना रहा है, शत्रु को बलशाली बना रहा है और ऋण को बलि कर रहा है। तो यहाँ पर लाभ भाव के सापेक्ष यह शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। देखिए 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का, व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होगी। जब व्यक्ति संकल्प कर लेता है ना कि मुझे ये काम करना है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्थिति ऐसी जनरेट होती है कि उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती या उसका वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता या उसको पूरा करने के लिए उसको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है या फिर विशेष एफर्ट्स लगाना पड़ता है, तब जाके उसकी इच्छाएं पूरी हो पाती हैं। देखिए मंगल होता है दोष दर्शन का कारक ग्रह। जब भी मंगल बुध की राशि में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति में दोष दर्शन की प्रवृत्ति को डेवलप कर देने वाला होता है। देखिए चतुर्थ भाव होता है जनता का कारक भाव। यहाँ पर मंगल स्थित है कन्या राशि पे, तो जनता को या लोगों को देखने का नज़रिया जो होता है उनका अलग होता है। इनको कमियाँ नज़र आती हैं, इनको खामियाँ नज़र आती हैं लोगों में, स्थानों में और वस्तुओं में। सभी प्रकार से इन्हें दोष दर्शन करने की आदत होती है, दोष देखने की आदत होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं हो रहा, ना तो छठे भाव के सापेक्ष अच्छा है या ना ही 11th भाव के सापेक्ष अच्छा है। हम बात करते हैं इसके कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और छठे भाव का कारक। छठे भाव के सापेक्ष हम बात कर चुके हैं, जब छठे भाव के सापेक्ष चतुर्थ भाव के ऊपर बैठता है तो इस बात की हम प्रेडिक्शंस कर चुके हैं कि यह नेगेटिव फल प्रदान करेगा। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखें तो यह अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर है। तृतीय भाव होता है संघर्ष का, मेहनत का, परिश्रम का और पुरुषार्थ का। इन सब से संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे, ये यानी कि व्यक्ति को मेहनत तो करनी पड़ेगी, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, व्यक्ति को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो बेहतर होगा। कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान से या अपने राशि स्थान से द्वितीय भाव पर स्थित होता है तो उसकी वृद्धि करने वाला होता है, उसको लाभान्वित करने वाला होता है, पॉजिटिवली वृद्धि करने वाला होता है बेसिकली। तो अगर तृतीय भाव के सापेक्ष यह देखें तो व्यक्ति मेहनती तो होगा लेकिन उसका आउटपुट भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि वो मेहनत करता है तो उसको डेफिनेटली रिजल्ट्स भी पॉजिटिव प्राप्त हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं, एक चतुर्थ दृष्टि, एक सप्तम दृष्टि और एक अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल दशम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल एकादश भाव को देख रहा है।
यदि हम बात करते हैं चतुर्थ दृष्टि की, तो हमने बताया था कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है और सुख प्रदान करने वाली होती है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी की विशेष केयर करने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी मित्र राशि भी स्थित है, गुरु की राशि स्थित है। गुरु मंगल को मित्र भाव से देखता है और मंगल गुरु को मित्र भाव से देखता है। इसी प्रकार से दशम भाव में भी गुरु की राशि है, तो दोनों ही स्थितियों में यदि देखें तो चतुर्भाव को प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला होता है। तो विशेष रूप से व्यक्ति अपने जीवन साथी की केयर करने वाला होता है, उसका ध्यान रखने वाला होता है, उसको सम्मान दिलाने वाला होता है, उसका आदर सम्मान और सत्कार करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में यह मंगल सप्तम भाव के प्रति बेहतर व्यवहार रखने वाला होता है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी वैवाहिक जीवन होगा, ऐसे व्यक्तियों को जीवन साथी अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पर मंगल अपने शत्रु की राशि में बैठकर और दूषित मंगल अपने शत्रु की राशि में बैठकर जब सप्तम भाव को देखता है, तो यहाँ पर यह जीवन साथी को रोग भी प्रदान कर देता है। रोग कौन से हो सकते हैं? मंगल से संबंधित रोग हो सकते हैं। मंगल से संबंधित रोग होते हैं पेट से संबंधित रोग, कंधे से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग, अथवा खुजली की समस्या, इचिंग की समस्या। देखिए, इचिंग का तो विशेष कारक ग्रह बन ही रहा है, क्योंकि त्वचा का कारक होता है बुध और ब्लड सर्कुलेशन का कारक होता है मंगल। त्वचा में इन्फेक्शन हो जाना, रक्त की वजह से, रक्त के कारण त्वचा में इन्फेक्शन हो जाने का कारक मंगल का बुध की राशि में बैठना होता है। यहाँ पर मंगल चतुर्थ दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और केयर की दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन साथी को मंगल से संबंधित विशेष रोग होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। मंगल की यहाँ से सातवीं दृष्टि और सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। हमने बताया था जब भी किसी ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है वो सीधी दृष्टि होती है, जैसा ग्रह है वैसे ही दृष्टि प्राप्त होती है। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि मंगल शुभ हो गया, चतुर्थ भाव दूषित हो गया, लेकिन क्योंकि अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो केवल उतने ही कंटेंट्स इसके नेगेटिव होंगे। ओवरऑल अगर देखें तो व्यक्ति को प्रोफेशनली वेल सेटल्ड करने वाला होगा, चाहे बिजनेस करे या नौकरी करे, अपने क्षेत्र में यह वेल सेटल्ड होगा। कर्म क्षेत्र ऐसे लोगों का सुदृढ़ होता है, लेकिन हाँ, मेहनत तो अवश्य करनी पड़ती है। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर है। अष्टम का दृष्टि का मतलब होता है विनाशकारी दृष्टि, स्पॉइल करने वाली दृष्टि, प्रॉब्लम्स जनरेट करने वाली दृष्टि। यहाँ पर लाभ भाव को देख रहा है। एकादश भाव होता है बड़े भाई या बड़ी बहन का भी, तो उनके जीवन में भी फ्लक्चुएशन जनरेट करने वाला यह मंगल हो जाएगा। लेकिन मंगल यहाँ से अपने स्वयं की राशि को देख रहा है, तो मंगल जब अपने स्वयं की राशि को देखता है तो उसकी हानि नहीं करता, उसको लाभ ही पहुँचाता है। भले ही यह अपने शत्रु की राशि में स्थित है, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ विजय होना, प्रॉब्लम्स के साथ टारगेट को अचीव करना, इस प्रकार के योग यह मंगल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, कर्म क्षेत्र के भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ऐसी भी संभावना बन जाती है कि मंगल से रिलेटेड ऐसा व्यक्ति व्यापार करे, मंगल से रिलेटेड ऐसा व्यक्ति नौकरी करे। मंगल के जो प्रोफेशंस होते हैं वो होता है डेयर का कारक, हिम्मत का कारक, पुरुषार्थ का कारक, तो डेयर से संबंधित फील्ड्स में ऐसा व्यक्ति हो सकता है। देखिए, गवर्नमेंट ठेकेदारी का या सामान्य ठेकेदारी का जो कार्य होता है वह भी मंगल कराता है। ठेकेदारी क्यों कह रहे हैं? देखिए, ठेकेदारी का मतलब होता है कि काम स्वयं नहीं करना है बल्कि कराना है। इट मीन्स कि मैनेजमेंट स्किल्स का कारक मंगल होता है, तो एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल भी प्रदान करने वाला यह मंगल हो जाता है। मैनेजर होने के पूरे गुण, पूरे 100% गुण ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। यदि मंगल कुंडली में किसी प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है या शुभ फल दे रहा है या शुभ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंगल एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स प्रदान करने वाला होता है, व्यक्ति को मैनेजर बना सकता है अथवा उच्च पदस्थ नौकरी प्रदान करने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। चलिए, हम उसके उपाय की बात कर लेते हैं, मंगल के क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल माता के स्वास्थ्य की तो हानि कर ही रहा है, तो ओवरऑल अगर देखें तो कन्या राशि का, क्योंकि मंगल स्थित है तो पॉजिटिव स्थिति तो यहाँ पर जनरेट नहीं होती, तो इसके लिए आप मंगल के प्रभाव को मूव भी कर सकते हैं।
वू करने के लिए महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन धारण कर ले। देखिए तांबे का कड़ा रिप्रेजेंट करता है सूर्य को भी, तांबे का कड़ा रिप्रेजेंट करता है मंगल को भी। तो यहाँ पर जो मंगल को धारण करेंगे ना आप शुद्ध करके, शुद्ध गंगा जल से धो के और कच्चे दूध से धो के इसको धारण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यह मंगल 11th हाउस में मूव हो जाएगा और चतुर्थ भाव से इसके जो प्रभाव हैं वो रिफ्लेक्ट होकर 11th हाउस में पहुंच जाएंगे। एक तो कार्य ये कर सकते हैं, दूसरा किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन निरंतर कराते रहना चाहिए। बंदर को भुने चने भी खिला सकते हैं, बंदर को भुने चने खिलाए जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल बेहतर होगा। चाहे आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, चाहे किसी ब्राह्मण से मंत्र और जप इसके करा लें, अथवा तांबे का कड़ा धारण कर लें। यदि आप कुछ भी करते हैं तो यह मंगल बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए अगर तांबे का कड़ा आप धारण कर रहे हैं तो अन्य दो जो उपाय बताए गए हैं उनमें से भी कोई सा एक उपाय कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। चलिए तो आज हमने बात करी मंगल यदि मिथुन लग्न के चतुर्भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न के पंचम भाव में ये मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए, नमस्कार।